हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट के रिप्लाई करने वाला हूँ। हो सकता है आपके भी कमेंट का रिप्लाई आज के इस वीडियो में आपको मिल जाए, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पीडीएफ बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं। दोस्तों, जो भी भाई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू किया है, उनके मन में पोल्ट्री के रिलेट काफी सारे सवाल होते हैं। स्क्रीन पे जो आप पीडीएफ ईबुक देख रहे हो, अगर इस ईबुक को आप पूरा पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पोल्ट्री के रिलेट आपके मन में जितने भी सवाल है उनमें से 90% सवालों का जवाब आपको ये ईबुक पढ़ के मिल जाएगा। ये बुक मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपीरियंस से लिखा है। इस बुक में मैंने डिसीज मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, बायो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रूडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। वैसे इसके हार्ड बुक की कीमत 200 रुपीज है, लेकिन इस हार्ड बुक के पीडीएफ फॉर्मेट वाला बुक आपको मात्र 50 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आपको यह बुक लेना है तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। सबसे पहला कमेंट पूछा है अंसारी जी ने, लगातार उन्होंने 3 कमेंट पूछा है। तो सबसे पहला कमेंट उनका है, क्रॉयलर WFG मुर्गी के लिए क्या मुर्गा भी रखना जरूरी है या मुर्गी फीड खा के मुर्गी अंडा देती है? देखिए, मुर्गी को अंडा देने के लिए उसके साथ मुर्गा रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। अगर आपकी मुर्गी आप सेपरेट भी रखते हो 6 महीने तक के, तो जैसे ही वो मुर्गी लेइंग स्टेज पे या फिर मैच्योरिटी स्टेज पे आती है वो खुद ब खुद अंडा देना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद इन्हीं का दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है, 300 WFG मुर्गी के लिए कितना स्क्वेयर फीट जगह चाहिए? 300 स्क्वेयर फीट जो आप WFG पालते हो तो तकरीबन 1 किलो के आसपास अगर आप उसका वजन बढ़ाकर उसको बेच देने वाले हो तो 300 स्क्वायर फीट जगह उसको परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप WFG के मुर्गियों को लगा एवरेज ना ऑल 2 किलो का बॉडी वेट अगर उनको बताने वाले हो, उसके बाद अगर बेचने वाले हो, तो मिनिमम आपको 1.2 से लेकर 1.3 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से उनको जगह देनी पड़ेगी। उसके बाद उन्हीं का तीसरा कमेंट है, WFG क्रॉलर कितना नर और कितना मादा रखें? देखिए, अगर आपको फर्टाइल अंडे चाहिए या फिर ऐसे कोई इंक्यूबेटर वाले आपके पास पहचान के हैं जिनको आप फर्टाइल अंडे उनको बेचने वाले हो, तो फर्टाइल अंडों के लिए 5 मुर्गी के पीछे मिनिमम 1 मुर्गा होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इनकेस अगर आपको अनफर्टाइल अंडे चाहिए तो मुर्गा मुर्गी के साथ रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद सेकंड कमेंट पूछा है गोविंद जी ने, वो पूछते हैं, एक RIR देसी मुर्गी अपने नीचे कितने अंडे सेती है या फिर से सकती है? जीएन सिंह जी, देखिए, पहली तो बात यह है कि जो RIR की मुर्गी होती है वो अंडे नहीं सेती है। बाय चांस अगर आपके पास 1000 की बैच है तो अपवाद स्वरूप उसमें से 4 से लेकर 5 मुर्गियां इन केस अंडे से सकती है, लेकिन ये अपवाद है। लेकिन RIR की मुर्गी क्रॉस होने की वजह से अंडे नहीं सेती है। अगर मैं आपको ओरिजिनल गावरान की बात करूँ जो अंडे सेती है, तो वो सब कुछ अंडे कितने सेगी उसके साइज पे डिपेंड होता है। अगर आपकी मुर्गी 2 किलो से लेकर 2.5 किलो के आसपास की है तो बड़े आसानी से वो 14 से लेकर 15 अंडे आराम से सकती है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। वही अगर आपकी मुर्गी 1300 से लेकर 1600 ग्राम के आसपास में है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, भले आपकी मुर्गी ने 1400 से लेकर 1500 अंडे दिए होंगे, लेकिन फिर भी आप उसके नीचे 8 से लेकर 10 ही अंडे रखिएगा, क्योंकि तो उनको प्रॉपरली हीट और ह्यूमिडिटी मिल पाएगी क्योंकि उसका साइज छोटा है। 10 के ऊपर अगर आप छोटे मुर्गी को अंडे रखोगे सेने के लिए तो हो सकता है उसके 2-3 अंडों को प्रॉपरली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ना मिलने की वजह से उनमें से चूजा ना निकले। उसके बाद विक्की जी ने सवाल पूछा है, भाई क्रॉस ली है, 7 मंथ हो गए, अंडों पर नहीं आई है, सब चंडीगढ़ की छाबरो ब्रीड है। ये पूछ रहे कि मेरी मुर्गी क्रॉस ब्रीड होने के बावजूद भी मुझे 7 महीने कम्प्लीट हो गए, फिर भी मेरी मुर्गी अंडों पे नहीं आ रही है। देखिए, जब कभी भी आप लेइंग पोल्ट्री फार्मिंग के करने के बारे में सोचते हो तो आपकी 100 मुर्गियों में से 10 मुर्गियाँ ऐसी निकलती ही निकलती है जो एक तो अंडा नहीं देती या फिर देती है तो बाकी मुर्गियों के मुकाबले बहुत ही अंडा कम देती है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि वो 10% मुर्गियों में से जो कि अंडा नहीं देती है 100 मुर्गियों में से, उन कैटेगरी में से आपकी ये मुर्गी बिलोंग करती हो, या फिर उसके शरीर में कुछ डिफेक्ट आया हो, या फिर उसके शरीर को जितनी भी मात्रा में कैल्शियम लग रहा है उतनी कैल्शियम उसको नहीं मिल रही हो, या फिर अभी हाल ही फिलहाल के 1 महीना या फिर 1.5 महीने के भीतर आपकी मुर्गी 5 से लेकर 6 महीने तक अगर बीमार हुई हो, तो इस सिनेरियो में भी मुर्गी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, तो ऐसे में उसको उभरने को 1 से लेकर 1.5 महीना लग जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में भी वो मुर्गी अंडा नहीं देती है। तो ये चेकआउट कीजिए कि ये 2-3 कारण जो मैंने आपको बताया, ये 2-3 कारणों में से कोई कारण आपके मुर्गी के साथ हो रहा है क्या जिस कारण आपकी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है। उसके बाद सवाल पूछा है रुबिल जी ने, वो पूछते हैं BV300 चिक्स कहाँ मिलेंगे भाई? देखिए, BV300 का चिक्स बड़ी आसानी से आपको वेंक की कंपनी प्रोवाइड कराती है। 1 महीने के पहले आपको एडवांस बुकिंग कराना पड़ेगा। बहुत बार कभी कभार चिक्स की शॉर्टेज होती है क्योंकि कई ज़्यादा बुकिंग वेंकी कंपनी की तरफ चले जाते हैं, तो ऐसे में आपको 2 महीने पहले ही बुकिंग कराकर रखनी होती है। तो वेंकी कंपनी से आपको बड़े ही आसानी से ये चिक्स मिल जाएंगे। नेट पर सर्च कीजिए वेंकी कंपनी, वहाँ से आपको उनका ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अरुणाचल जी सवाल पूछते हैं, सर WFG लेयर के लिए सही है क्या?
नहीं, डबल एफ जी लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप मीट परपोज की बात करोगे तो मीट परपोज के लिए डबल एफ जी 100% बहुत बेस्ट ब्रीड है। वही अगर आपको लेंग स्टेज या फिर लेंग पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए अंडा उत्पादन के लिए अगर ब्रीड चाहिए तो आप RIR, ब्लैक एस्ट्रोल ऑफ BV380 और ग्राम प्रिया इस जैसी की नस्ल पाल सकते हो। उसके बाद सवाल पूछा है रमेश जी ने, वो पूछते हैं क्या BV300 मुर्गी को मुर्गी के साथ फ्री रेंज में पालने पर ब्राउन कलर का अंडा देती है। देखिए मुर्गी के अंडे का कलर जो होता है वो उसके साथ मुर्गा रखो या फिर ना रखो इस पर डिपेंड नहीं होता है। मुर्गी का अंडे का कलर पूरी तरह से उसके कान की जो पर्दी का कलर हो उसके कलर पर थोड़ा बहुत डिपेंड होता है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन जो भी अंडों का कलर होता है वो मुर्गियों को दिए जाने वाले फीड में कितनी मात्रा में प्रोटीन, कैलोरीज और एनर्जी प्रोवाइडेड होती है, उसमें कौन से कंटेंट मिलाए गए होते हैं, इससे थोड़ा बहुत मुर्गी के अंडे का कलर फ्लक्चुएट हो सकता है। लेकिन मुर्गा उनके साथ रखो या फिर ना रखो इससे मुर्गी के अंडे का कलर इम्पैक्ट या फिर फ्लक्चुएट नहीं होता है। इनके बाद इन्हीं का दूसरा सवाल है, क्या वेंकेज कंपनी BV300 मुर्गी के चूजे भी बेचते हैं? जी हाँ, 100% वेंकी कंपनी BV300 के चूजे बेचती है और सबसे ज़्यादा चूजे BV300 के वेंकी कंपनी ही बेचती है। और ऑल ओवर कमर्शियल अंडों का जो भी बिजनेस है सफ़ेद अंडों का, तो सब कुछ 80% तक के मार्केट BV300 मुर्गी ने ऑक्यूपाई करके रखा है।